हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बैकग्राउंड सेटअप कैसे चेंज कर सकते हैं स्पार्क एआर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप करना है। सो मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेटअप कर लेता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट सेटअप करने के बाद कुछ स्पार्क एआर का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आप चेंज करो कि आपको रेजोल्यूशन क्या रिक्वायर है। सो डिवाइस सेटिंग में जाके एंड ये जो यूजर शेयरिंग विंडो है, यहाँ से आप राइट बॉटम कॉर्नर से चूज कर सकते हो आईओएस एंड एंड्रॉयड डिवाइस के लिए रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट मुझे एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मुझे इस कैरेक्टर और बैकग्राउंड को एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो मैं कैमरा एंड कैमरा देन प्रॉपर्टी पैनल में आप सेगमेंटेशन में जाओगे एंड इस कैमरे को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पर्सन, बिकॉज पर्सन एंड बैकग्राउंड दोनों को भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। द नेक्स्ट स्टेप आपको क्रिएट करना है रेक्टेंगल। सो ऑरिक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल को मैं रीनेम कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा बैकग्राउंड एंड नेक्स्ट इस बैकग्राउंड को मुझे मटेरियल असाइन करना है, डायमेंशन सेटअप करना है। सी यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक स्मॉल साइज में रेक्टेंगल है। सो इसको मैं रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग फिट करूँगा, फिल विड एंड हाइट एंड मटेरियल। सो मटेरियल एक ऐड कर लेते हैं। देन जो भी आप नोड क्रिएट करते हो, हर एक नोड को आप रीनेम भी कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने रेक्टेंगल को किया था, वैसे एक मटेरियल। देन मटेरियल सेटिंग में आपको यहाँ पे शेडिंग टाइप मिलेगा। सो इसको मैं चूज कर लेता हूँ फ्लैट। सो डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग टाइप अवेलेबल है। सो यूज़र अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। देन मैं चूज कर रहा हूँ टेक्सचर। देन मैं टेक्सचर चूज कर लेता हूँ एंड सी यहाँ पर मुझे जो टेक्सचर है वो उस पर्सन के टॉप में विजिबल हो रहा है। सो पर्सन हाइड हो गया है, मीन्स उसकी जो लेयर है वो बैकवर्ड है। सो इसको मुझे बैकवर्ड प्लेसमेंट करना है। तो मुझे नीड होगी मास्किंग। सो मास्किंग के लिए मैं यूज़ करूँगा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा में हम लोग टेक्सचर के अंदर कॉल करेंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ पार्ट था कैमरे से। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर चूज़ कर लूँगा सेगमेंट मास्क टेक्सचर एंड सी यहाँ पर जो मास्क असाइन हुआ है वो कैरेक्टर के ऊपर हुआ है। तो इसको मैं करूँगा इन्वर्ट एंड आफ्टर इन्वर्ट यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से विजिबल होगा।